अदाकारों के साथ आई आई साहब के आई टेन धमाके के बाद जो पेट्रोलिंग वाले जवान हैं और नाकों के ऊपर खड़े हुए जवान हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं? देखिए, जो लोग भी सरहदों पे खड़े होते हैं और जो लोग भी ये वर्दी पहनते हैं, उनको जिस खतरे को मोल लेते हैं वो अपने कौम और मुल्क के लिए लेते हैं। उनकी ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूर बंदोबस्त किए हैं कि वो जैकेट्स पहनेंगे जो बुलेट प्रूफ होंगी, उनको प्रोटेक्शन के लिए वेंटेज पॉइंट पे स्नाइपर भी मौजूद होंगे, उनको चेकिंग के लिए एहतियात भी करेंगे हर लिहाज से। लेकिन ये बात जो ऐसे आपका सवाल बताता है कि, और इसमें अच्छी बात है कि ये एहसास शामिल है कि सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे हमारा पुलिस का कांस्टेबल और अफसर वो खड़े हैं, और ये उनके एक पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए फ़र्ज़ के लिए ख़तरा है जो वो मोल लेते हैं। जिस नाके पे भी किसी को भी रोकते हैं, ख़तरा मौजूद रहता है, आप सारे जानते हैं। इसीलिए मैंने तआवुन की अपील की कि उनके साथ भी तआवुन करें, ताकि हम, अल्लाह ना करे कि किसी भी और सिपाही की जान जाए।